तो हेलो दोस्तों, क्या हाल आप सभी के। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। अब जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे होंगे कुछ बल्ब और कुछ इक्विपमेंट्स हैं, जैसे कि सोल्डिंग आयरन मशीन और उसके इक्विपमेंट और ये बल्ब। तो ये है कि एक्चुअली आपके घर में एलईडी बल्ब कई सारे यूज़ करते होंगे आपके घरों में घरेलू, तो उस बीच में क्या होता है कि चलते चलते ख़राब हो जाते हैं। ऐसे आपके कई सारे बल्ब होते होंगे जो आप अगर ख़राब होते हैं तो उसे तो आप फेंक देते हैं। और उससे पहले कि इसके सोल्यूशन दूँ, उससे पहले आप क्या है कि फटाफट से वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ अगर ये वीडियो अच्छी लगेगी तो। तो फिलहाल हम सीधा फोकस करते हैं बल्ब पे और चेक करके दिखाते हैं आपको चल नहीं रहा, और इसको हम चला के दिखाएंगे, वो भी फ्री, बिल्कुल फ्री, एब्सोल्युटली फ्री, एक रुपया भी नहीं लगेगा। इजीली आप बना पाएंगे, सिर्फ इन छोटे छोटे इक्विपमेंट्स की आपको जरूरत पड़ेगी। तो दोस्तों, एक होल्डर का ऐसा छोटा सा जुगाड़ बना लेना, अपने लोकल मार्केट से खरीद सकते हैं, ऐसा कुछ 5-10 रुपये का, 20 रुपये का होल्डर जितने का भी आएगा ये ले सकते हैं, और ऐसा कुछ जुगाड़ बनाना पड़ेगा ताकि आप ऐसे इस तरीके से बल्ब को आप चेक कर पाएँ। तो दोस्तों, अब मैं बल्ब आपको एक एक करके चेक करके दिखाने वाला हूँ। जैसे ये देखिए, दो बल्ब खराब रखे हुए हैं, ये खराब है तो इसको हम सही करेंगे, और ये छोटा सा बल्ब आपको दिखाई दे रहा होगा, ये छोटा सा बल्ब ये सही है, तो इसको मैं चेक करके दिखा देता हूँ आपके तसल्ली के लिए। तो ये देख लीजिए, ऑन हो गया ये बल्ब, बहुत ईजी। अब इन दोनों को मैं आपको ऑन करके दिखाऊंगा, नहीं चलेंगे। ये देखिए नहीं चल रहे, देख पा रहे होंगे, और इसको भी दिखा देता हूँ, ये भी नहीं चल रहा। अगेन दोबारा दिखा देता हूँ कि आप सोचेंगे कि सस्पेंस है कुछ नहीं, देख लीजिए। तो दोस्तों, ये जो प्रॉब्लम आ रहा है इसमें, उसी को आज हम ठीक करने वाले हैं, इन दोनों बल्ब को। उसके लिए आपको चाहिए होंगे ये सोल्डिंग आयरन स्टैंड, अगर नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, ये सोल्डिंग आयरन आप सोल्डरों का लीजिए, बहुत बढ़िया है, ये सालों साल चलेगा और ये लंबा चलता है, बहुत ही बेहतरीन है, इसकी रेटिंग भी अच्छी है, और काफ़ी ये लॉन्ग लाइफ वाला सोल्डिंग आयरन मशीन है, तो आप ले सकते हैं अमेज़ॉन पे, डिस्क्रिप्शन में आपको इसका लिंक दे दूंगा। उसके बाद चाहिए सोल्डिंग आयरन पेस्ट, सोल्डिंग आयरन वायर, और ये एक चिमटा। अगर आप कवर्ड चिमटा मिलता तो अच्छी बात है, नहीं मिलता तो आप इस तरीके से, अगर स्टील वाला मिलता है तो उसको आप कवर कर सकते हैं, जैसे कि मैंने कर रखा है। अब क्या करना है, सबसे पहले आप इस मशीन को उसमें लगा दीजिए, सॉकेट पे, ये देखिए पावर सॉकेट से मैं कनेक्ट कर दे रहा हूँ, लगा दे रहा हूँ उसको गर्म करने के लिए। ये 25 वाट का सोल्डिंग आयरन मशीन है दोस्तों, इसको देखिए ऑन कर लीजिए, और मैंने फिलहाल इसको स्टैंड पर लगा दीजिए, इसमें कोई करंट नहीं आता, बस ये हीट होता है, और इस बल्ब को आप ईजिली इसको ओपन कर लेंगे, ऊपर से इस तरह से पुल करेंगे, बहुत ही आसानी तरीके से खुल जाता है, जिसको अगर जल्दी आसानी से ना होए तो इस तरीके से आप थोड़ा सा फोर्स लगा के पुल करके खोल सकते हैं। अब इनमें से क्या है कि दोस्तों, एक एलईडी डैमेज हो रखी है, तो उसे हमें पता लगाएं कि क्या होता है। दोस्तों, सीरीज़ में होता है ये, सीरीज़ में, तो इस वजह से ये डैमेज हो जाते हैं, तो उसको चेक करने का तरीका मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, इसको मैंने पावर से कनेक्ट कर दिया, लगा दिया होल्डर से, इसको थोड़ा सा मैं साइड कर देता हूँ, देखने में डिस्टर्बेंस हो रही है, आपको साइड कर दिया जब तक वो गर्म हो रहा है। अब आपको कैसे चेक करना है कि इसका सॉकेट अंदर वाला सही है, ये देख पा रहे होंगे, एक ब्लैक वाला और ये वाइट वाला आपको दिखा दे रहे होंगे, पावर वाले, ठीक है, मेन है। अब इन दोनों को आपस में पहले टच करके देखना है, इसमें शॉर्ट होगा, अगर ये शॉर्ट होता है और आवाज़ आती है पटाक, तो इसका मतलब ये मशीन सही है, दिखा देता हूँ, देख लीजिए, देख लीजिए, तो इसका मतलब इसका जो किट है अंदर वाला सही है, ओके है, इसमें इसका मतलब इसमें एक एलईडी बल्ब गया हुआ है। तो एक एक करके बारी बारी चेक करेंगे, ध्यान से देखते रहना, देखिए जो गया हुआ रहेगा आपने पता लग जाएगा, उसके वजह से लाइट चल जाएगा। एक एक करके सर, ये देखिए एक मिल गया हमें, फॉल्ट मिल गया दोस्तों, एक बल्ब दिख गया हमें। तो दोस्तों, अगर आंखों में आपको प्रॉब्लम होती है तो एक इस तरह से कोई चश्मा ले लीजिए, ब्लैक हो सकता है, ब्लैक होगा तो ज़्यादा आसानी होगी आपको दिखने में, ताकि इसका वोल्टेज, वो जो लाइट है आपके आंखों में ज़्यादा पड़े ना। ये वाला गया हुआ था तो हमने इसको पकड़ लिया, अब इसको हम उखाड़ देंगे, ठीक है, ये देखिए इसको बुरी तरह से, इसको पूरी तरह से हम उखाड़ देंगे और आपस में इसको शॉर्ट कर देंगे। इसको मैं यहाँ से निकाल लेता हूँ, अब तो हमें पता ही लग गया, अब इसको हम निकाल देंगे इस तरीके से, ये देखिए थोड़ी सी लाइट रह गई थी तो इसलिए जल रहा था ये, तो अभी देख पा रहे हो दोस्तों, इसको हमने उखाड़ दिया, एक सीरीज़ हमारा रेडी हो गया। अब ये जो है इनको हम सोल्डिंग कर देंगे, ये माइनस और प्लस जो भी होगा इन दोनों में, इसको टच करा देंगे आपस में, तो ये क्या हो जाएगा, इधर का सीरीज़ कंप्लीट हो जाएगा। अब देख लीजिए, हमारा सोल्डिंग आयरन फिलहाल गर्म हो गया होगा, और सोल्डिंग आयरन वायर निकाल लेते हैं, सोल्डिंग आयरन पेस्ट निकाल लेते हैं, ठीक है, और कुछ नहीं करना, जहाँ पे हमने उखाड़े हैं देख पा रहे होंगे ये वाले हिस्से पर, दोनों को, जैसे ये दोनों जो हिस्सा है ना,
ये दोनों हिस्सा, इन दोनों को चिपका देंगे ये सोल्डिंग आयरन वायर से। अब देखिए कैसे करना है, अभी गर्म हो चुका है, देखिए इसको, देखिए अगर आप बिगनर हैं तो इसी तरीके से काम करना है आपको, देख पा रहे होंगे, तो इस तरीके से आप इसको चिपका लेंगे। ठीक है दोस्तों, चिपक गया है, एक बार चेक कर लेते हैं चला के कि इतना हमारा कामयाब हुआ कि नहीं। देख सकते हैं दोस्तों आपके सामने रिजल्ट है, जिसको हमने चिपकाया था, ये देखिए जिसको हमने चिपकाया था उसके वजह से एक जो पैरा है वो कंप्लीट हो गया। उसके बाद अभी भी इसमें कहीं प्रॉब्लम है दूसरे सीरीज को बनाने में, तो इसी तरीके से आपको दूसरा फॉल्ट ढूंढना है। अभी आपने देखा ना कितने आसान तरीके से फ्री का बन गया एक। सारे बल्ब जल रहे हैं देखिए दोस्तों, ठीक है ना। अब इसके हम कवर को ऊपर से लगा देते हैं, इसे कवर कर देते हैं, और आप इसी तरीके से अपने घर के बल्ब तैयार कर सकते हैं, मतलब सही कर सकते हैं। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया। इसी तरीके से ये दूसरा वाला भी हमें चेक करना है, और इसी तरीके से इसको भी ठीक करेंगे। तो पहले वाले से आपको समझ आ गया होगा, तो इसी तरीके से हम दूसरा बल्ब को भी रिपेयर करेंगे, सही करेंगे। तो देखा ना दोस्तों, अब हमने कैसे इस बल्ब को रिपेयर किए, और इसी तरीके से अभी हम दूसरा वाला भी रिपेयर करेंगे। अगर दूसरा वाला भी आपको इसी तरह रिपेयर करके दिखाता है दोस्तों, तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो जाती, तो इसलिए एक बल्ब मैंने आपको रिपेयर करके दिखाया। तो देख लिया ना आप लोग कैसे कैसे हम इसमें पता लगा सकते हैं फॉल्ट कहाँ पे है। सीरीज वाले में ऐसे ही प्रॉब्लम होता है दोस्तों, अगर एक भी अगर LED अगर बंद हुआ ना, तो पूरा का पूरा उस एरिया का बल्ब को बंद कर देगा। तो इसी तरीके से आपको जितने भी घर में आपके LED अगर प्रॉब्लम होता है ऐसा इन फ्यूचर, तो आप इसी तरीके से बिना फेंके इसको सही कर सकते हैं। फेंकने की जरूरत नहीं है दोस्तों, इसको रिपेयर कर सकते हैं, फ्री में ठीक कर सकते हैं। इसी तरीके से बहुत इजी था, जैसे चिमटा के बारे में आपको बताया था दोस्तों, चिमटा आप ले सकते हैं, ये मार्केट से मिल जाता है 40-50 रुपए का, और अगर कवर वाला मिल जाता 70-80 को, तो वाला ले सकते हैं, सेफ्टी रहेगा। और नहीं मिलता तो इसी तरह से जुगाड़ आपको करना पड़ेगा पेपर लगा के, उसके बाद टेप, नहीं तो शॉक ऑब्वियसली शॉक मारेगा, करंट मारेगा। तो इसलिए आप इसको ध्यान रखें कि इसको कवर्ड करके जरूर रखें, या फिर कवर्ड वाला ही चिमटा लें। तो छोटे छोटे इक्विपमेंट्स की आपको जरूरत पड़ेगी, जैसे कि सोल्डिंग आयरन पेस्ट, जैसे मैंने बताया था ये 10-20 रुपए का ही आते हैं, ये 70-80 रुपए का आएगा, भारतीय कंपनी का आएगा। और ये सोल्डरॉन या टोनी, 2-4 फेमस ब्रांड है, उन्हीं का ही लीजिएगा तो ज़्यादा बेहतरीन रहेगा, क्योंकि ये लॉन्ग लाइफ चलते हैं, 350 रुपए के आसपास का ये सोल्डिंग आयरन है। तो दोस्तों कई सारी चीज़ों में आपके काम आ सकते हैं, छोटे मोटे टाके कहीं टूट जाते हैं तो उस जगह पर आप इसको रिपेयर करके ठीक कर सकते हैं। बेसिक सा है, कोई ज़्यादा बड़ा मेथड नहीं है, कोई लंबा कोई प्रोसेस नहीं है, बहुत ही आसान है। तो दोस्तों इसी तरह के वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो और वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और ज़्यादा पसंद आता तो दोस्तों के साथ शेयर करना भी ना भूलें। मैं मिलता हूं नेक्स्ट किसी टेक्निकल वीडियो में, और इसी तरह से टेक्निकल वीडियो बताते हुए, तब तक के लिए जय हिंद।